29 मई को रात में हुई व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको याद दिला दें कि 29 मई की रात को सुशील चौधरी अपने घर जाने के लिए अपनी दुकान से निकले थे, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने उनकी कनपट्टी से सटाकर उन्हें गोली मार दी। सुशील चौधरी की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। SP बिजनौर भी तुरंत अस्पताल पहुंचे और मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की छानबीन के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक सुशील कुमार उर्फ टोनी, जो चांदपुर रोड पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, उन्होंने अपनी 9.5 बीघा जमीन हसीन निवासी मोहल्ला खतरियान बिजनौर, वसीम निवासी मोहल्ला मिर्दगान बिजनौर, अतुल चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा बिजनौर, नईमुद्दीन निवासी मोहल्ला बुखारा, शुभम चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा, अर्णव तोमर निवासी न्यू सिटी कॉलोनी बिजनौर को 3,90,00,000 रुपयों में मौखिक रूप से बेच दी थी, जिसमें इन सभी लोगों ने मिलकर सुशील कुमार को 40 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे। जो एग्रीमेंट हुआ उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने बाकी पैसा सुशील कुमार को नहीं दिया और बैनामा करवाने के लिए दबाव बनाने लगे। पुलिस का कहना है कि इसी बात को लेकर कुछ दिनों पहले हसीन के भांजे फैजान निवासी लक्कीपुरा मेरठ, जिसका नूरपुर बिजनौर रोड पर होटल भी है, उस होटल पर इन सब के बीच गाली गलौच हुई। उसी वक्त सुशील चौधरी को बैनामा न करने पर भुगत लेने की धमकी दी गई थी। पुलिस का कहना है कि फैजान ने मेरठ से शूटरों को भाड़े पर बुला लिया और 2.5 लाख रुपयों में सुशील चौधरी को मारने का सौदा तय हो गया। योजना के आधार पर 29 मई को शूटर ने अपने साथी शूटर के साथ मिलकर सुशील चौधरी को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने मीडिया को जारी किए गए प्रेस नोट में शूटरों के नामों का खुलासा नहीं किया और न ही उनकी गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का कोई जिक्र किया गया है, लेकिन षड्यंत्र रचने पर 5 अभियुक्तों वसीम निवासी मोहल्ला मिर्दगान, अतुल चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा, नईमुद्दीन निवासी मोहल्ला बुखारा, शुभम चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा और अनिल चौधरी निवासी न्यू सिटी कॉलोनी बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP बिजनौर ने इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। 29 मई की रात को लगभग 8 बजे कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र में सेंट मेरी चौराहे के पास सुशील कुमार नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटनास्थल का पुलिस द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया था। 4 टीमों का गठन किया गया था घटना के खुलासे के लिए। बिजनौर पुलिस ने अथक परिश्रम करके इस घटना का खुलासा किया, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनके नाम वसीम, नईम, अर्णव, शुभम और अतुल हैं। ये बिजनौर के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनका हसीन का और इन 5 लोगों का सुशील कुमार से प्रॉपर्टी को लेके अनबन हो गई थी। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सुशील कुमार को पैसे दिए थे और सुशील कुमार ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर इन लोगों ने फैजान की मदद से, फैजान जो कि हसीन का भांजा है, उसकी मदद से इन्होंने 2 शूटर हायर किए थे और उन शूटरों से सुशील कुमार की 29 तारीख की रात को हत्या करा दी थी। इन 5ों की अरेस्टिंग कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इस सनसनीखेज खुलासे के लिए मेरे द्वारा बिजनौर पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू।